दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको फिटिंग पैंट की कटिंग बताएंगे कि फिटिंग पैंट कैसे काटते हैं। तो दोस्तों इसका नाप है, फिटिंग पैंट का नाप ये है, 38 इंच लंबाई है, 31 कमर है, 36 हिप है, 21 जांग है, 13.5 मोरी है और 15.5 घुटना है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं। तो दोस्तों कपड़े को पहले उल्टा करके बिछा लेंगे। अच्छी तरीके से फोल्ड करके बिछा लेंगे इसे, कोई हमारी सिलवट वगैरह ना रहे इस कपड़े में। तरीके से दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खींच लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमारी लंबाई थी 38 इंच, तो निशान लगा लेंगे लंबाई का 38 पे, और प्लस इसमें हम लोग नीचे 2 इंच का मार्जिन दे देंगे, जो हमारा ये तुरपाई मोहरी बनेगी, तुरपाई होगी उसके लिए। अब दोस्तों हम लोग घुटने का निशान लगाएंगे, तो घुटने का निशान लगता है लंबाई का आधा कर लेंगे पहले। तो लंबाई 38 थी तो 19 पे निशान लगा लेंगे, और प्लस इसमें 1.5 इंच नीचे को और कर देंगे, तो ये हमारे घुटने का निशान हो गया। अब दोस्तों कमर का निशान, सॉरी दोस्तों अब लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक हमारी लंबाई का 1/4 लगता है, तो दोस्तों इसमें हमने लटक नापी हुई थी, तो दोस्तों हम लटक का निशान लगा लेंगे 8.5 पे इस तरीके से, और सीधी कर लेंगे लाइनों को। दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखें, एक ही बार में आपको पैंट की कटिंग समझ में आ जाएगी, और जैसे आपको कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों अब हम लोग जांग का निशान लगाएंगे, तो यहां से थोड़ा सा हम साइड छोड़ देंगे, जिससे हमारी जो सेव आएगी तो इसमें ये पट्टी ना आए। तो इसमें हमने 1.5 इंच छोड़ दिया है, यहाँ से साइड से यहाँ भी छोड़ दिया। अब दोस्तों हमारी मोहरी थी, सॉरी हमारी जांग थी 21 इंच, तो 21 का आधा कर लेंगे 10.5, और यहाँ पे सेंटर पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, आधा कर लेंगे 5.25 निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों हिप ये हम लोग लगाएंगे निशान फिलाई का, तो फिलाई का 1.5 इंच लगता है हर पेंट में, तो इस तरीके से। अब दोस्तों कमर का निशान लगाएंगे, हमारी कमर थी 31, तो कमर का 1/4 हो गया 7.25, प्लस इसमें 1 इंच कर देंगे तो 7.25 पे यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरीके से, शेप दे देंगे स्ट्रेट करके, शेप दे देंगे दोस्तों, इधर भी शेप दे देंगे। दोस्तों वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें, वीडियो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों ये जो सेंटर के निशान है, इसे नीचे तक हम लोग बराबर कर लेंगे, इसे नाप के लगा लेंगे सेंटर के निशान तरीके से। अब दोस्तों हम लोग पॉकेट का निशान लगा लेंगे, पॉकेट का दोस्तों हम 2.5 इंच पे लगाते हैं, आप 2.25 पे भी लगा सकते हैं, और इधर से हम लगा लेंगे 7.25 पे इस तरीके से, शेप देना है। अब दोस्तों जो हमारी सामने का पल्ले में पल्ला गिरेगा तो 1 इंच वो गिरता है, सामने का फ्रंट तो 1 इंच हम इसे गिरा देंगे इस तरीके से। दोस्तों इन मार्कों को हम बिल्कुल जो सेंटर का मार्क था उसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को
इसे भी कर लेंगे। अब दोस्तों हम घुटने का निशान लगाएंगे। घुटना हमारा था 15.5 इंच, तो 15.5 का आधा करके घुटने का निशान लगा लेंगे। पौने 8 हुआ हमारा, पौने 8 का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब मोहरी थी हमारी 13.5 इंच, 13.5 का आधा कर लेंगे हम लोग दोस्तों। और इसका हम आधा करके निशान लगा लेंगे। तो हमारा ये पौने 7 पे लगेगा दोस्तों। इसे सेप दे देंगे अच्छी तरीके से, एकदम तो बढ़िया करके आपको सेप देनी है। और दोस्तों थोड़ा सा मोहरी जो हम ये क्रॉस दे रहे हैं, तो मोहरी में थोड़ा सा क्रॉस देना है, जो हमारी तुरपाई होगी तो इसमें हमारा कपड़ा खिंचे नहीं दोस्तों। इस तरीके से हम लोग हल्का सा क्रॉस कर देंगे, अच्छी तरीके से सेप दे देंगे। अब दोस्तों हमारा इसको कटिंग कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, कटिंग मार्के की बाहर ही करनी है, हल्की अंदर नहीं करना है मार्के के। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े को मिला के देख लेंगे कोई हमारे दोनों तरफ शेप सही आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों। इस तरीके से मिला के हम लोग कटिंग कर लेंगे। जैसे हमारी थोड़ी भी मार का 19-20 हो गया है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा शेप बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग शेप दे लेंगे। अब दोस्तों मोरी पे जो हमने निशान लगाया था वहां चटका लगा लेंगे। जो हमारी मोरी ऐसी फोल्ड होगी उसके लिए पॉकेट में भी चटका लगा लेंगे दोस्तों। फिलाई का निशान लगा लेंगे। फिलाई हमारी यहां से, जहां से हम सेप देना स्टार्ट करते हैं, तो यहां से हमारी फिलाई यहां पर चटका लगाएंगे, यही से फिलाई हमारी बनेगी। दोस्तों इसे उल्टा कर लेंगे कपड़े को। फ्रंट को इसी पे रख लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बिछा लेंगे दोस्तों। मार्कों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे हम लोग। यहां भी निशान लगा लेंगे, इससे हमारे पता रहे हमारा कहां से हमें कटिंग करनी है। अब दोस्तों जो हमने फ्रंट 1 इंच गिराया था, तो बैक हमारी 1½ इंच प्लस करके उठती है, तो 1 इंच प्लस 1/2 इंच 1.5 इंच से बैक उठेगी। इस तरीके से लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों कमर का निशान लगा लेते हैं हम लोग। कमर का 1/4 कर लेंगे, 31 थी तो हमारा 7.5 हुआ, और प्लस इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे
मार्जन का, जिसमें हमारी प्लेट और प्लस साइड का दबाव आएगा। अब दोस्तों इसमें हम 2.5 इंच मार्जन और दे देते हैं, जो हमारे पीछे कमर ढीली करनी हो हम लोगों को उसके लिए। अब दोस्तों यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, यहाँ 2.25 इंच पे निशान लगा लिया, आप 2.5 पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा लिया और यहाँ पे हमने दे दिया 1 इंच का। अब दोस्तों इसे शेप दे देंगे। दोस्तों शेप एकदम बढ़िया तरीके से देनी है। अब दोस्तों थोड़ा सा मार्जिन हम रखते हैं पेंट में, जैसे हमें पेंट एक्स्ट्रा मार्जिन ये रख लेंगे, जिससे हमें पेंट ढीली करनी हो तो ये हमारा मार्जिन है एक्स्ट्रा। लेकिन पेंट दोस्तों हमारी जो यहां से पेंट हमारी यहीं से जोड़ेगी। अब दोस्तों हिप का निशान लगा लेते हैं, हिप हमारी 36 है तो यहां से दोस्तों थोड़ा सा 1/2 इंच यहां से निकाल देंगे और हम 1/4 लगा लेंगे। 36 का 9 हुआ तो 9 पे हम यहां से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम लोग शेप दे देंगे, यहां से मिला के इस पॉइंट पे शेप दे देंगे और इसे अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। अब दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। दोस्तों यहां पे चटका लगा लेंगे तो दोस्तों पैंट हमारी यहां से चढ़ेगी, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, यहां भी लगा देंगे। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे पीछे पॉकेट का निशान किस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों यहां से हम लोग 1/2 इंच छोड़ देंगे और यहां से दोस्तों हम लोग 1.5 इंच छोड़ देंगे। दोस्तों इन दोनों को नाप के हम पॉकेट का निशान लगा लेंगे, 20 सेंटर कर लेंगे इस तरीके से और 3.5 इंच लोग डट का निशान लगा देते हैं। दोस्तों ये हमारी पैंट की कटिंग तैयार है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।